हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। इस वीडियो से पहले हमने ऐसी ही एक वीडियो बनाई थी, सो उसके बाद मेरा मन करा कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस और देखूं, एंड आपकी रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप इस वीडियो पे रिएक्शन दो। सो वीडियो का टाइटल प्रोफेट मोहम्मद का सबसे बड़ा मौजजा। मौजजा का मतलब क्या होता है यार? पिछली वीडियो में भी ये था ना? हां जी, कि मौजजा, मौजजा मतलब ट्रुथ, एग्जैक्ट नहीं पता है, मौजजा उर्दू का वर्ड है ये ना? प्रॉफिट मोहम्मद फूट प्रिंट, फूट प्रिंट, फूट प्रिंट, सो लेट्स सी फूट प्रिंट मक्का मदीना। अच्छा ये है मौजा है ना? सही में होगा ये? हाँ, देखते हैं इस वीडियो को, फिर करते हैं बाकी बातें। उससे पहले आपने मतलब हो सकता है सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, मतलब। और वीडियो में कमेंट करना कि आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा, है ना? सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों, जिस पत्थर पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना कदम मुबारक रख कर तमीरे काबा करते रहे, वो आज भी सैने काबा में मकामे इब्राहिम के अंदर महफूज है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के लगने से वो पत्थर नरम हुआ और उन कदमों के नकूश उस पर सब्द हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक कदमों को भी ये मौजा अता फरमाया कि उनकी वजह से पत्थर नरम हो जाते। रसूल अल्लाह के कदम मुबारक के निशान बाज पत्थरों पर आज तक महफूज हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि जब रसूल अल्लाह पत्थरों पर चलते तो प्यारे आका के पांव मुबारक के नीचे वो नरम हो जाते और कदम मुबारक के निशान उन पर लग जाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन बड़े ही बबरकत थे। हजरत उमरु बिन शुएब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दफा रसूल अल्लाह अपने चचा हजरत अबू तालब के साथ अरफा से 3 मील दूर मकाम जिल मिजाज में थे कि उन्होंने प्यारे आका से पानी तलब करते हुए कहा कि मुझे प्यास लगी है और इस वक्त मेरे पास पानी नहीं है। पस रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और अपना पांव मुबारक जमीन पर मारा तो जमीन से पानी निकलने लगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान पी लें। जब उन्होंने पानी पी लिया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दोबारा अपना कदम मुबारक उसी जगह रखा तो वो जगह बाहम मिल गई और पानी का इखराज बंद हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वो एक दफा सख्त बीमार हो गए। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनकी आयादत फरमाई और अपने मुबारक पांव से ठोकर मारी जिससे वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए। रवायत के अल्फाज हैं, पास हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना मुबारक पांव मुझे मारा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसे शफा दे और सेहत अता कर। उसकी बरकत से मुझे उसी वक्त शफा हो गई और उसके बाद मैं कभी भी इस बीमारी में मुबतला ना हुआ। इसी तरह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदम मुबारक अगर किसी सुस्त रफ्तार कमजोर जानवर को लग जाते तो वो तेज रफ्तार हो जाता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलल्लाह की खिदमत में आकर अपनी ऊंटनी की सुस्त रफ्तारी की शिकायत की तो प्यारे आका ने अपने पांव मुबारक से उसे ठोकर लगाई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कसम उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इसके बाद वो ऐसी तेज हो गई कि किसी को आगे बढ़ने ना देती। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ऊंट को भी प्यारे आका ने गजवाए जातल रिका के मौका पर अपने मुबारक कदमों से ठोकर लगाई थी जिसकी बरकत से वो तेज रफ्तार हो गया था, जैसा कि हदीस पाक में है, तो प्यारे आका ने अपने पाए मुबारक से उसे ठोकर लगाई और साथ ही दुआ फरमाई, पास वो इतना तेज रफ्तार हुआ कि पहले कभी ना था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद। मतलब ये थी वीडियो, और दूसरी बात ये कि ये फुटप्रिंट है कहाँ पे है जो मुझे जरूर बताना कमेंट, कि मक्का में है कि मदीना में है।
या कोई और जगह पे है। वो मतलब इतने बड़े बड़े निशान है ना सही बात है पैरों ना, की, मैं देख मतलब रही थी तो मतलब पहले क्या ऐसे होते होंगे। हाँ पहले वो साइज भी बड़ा होता था ना, मतलब देखा नहीं हमने हजरत आदम का साइज भी बताया जाता है इसमें कि बहुत बड़ा होता हाँ था ना, उन्होंने मतलब कितना जो बड़ा साइज बताया है, हाँ और जहां भी वो मतलब पत्थर पे पैर रखते थे तो जो पत्थर है सॉरी पत्थर वो पिघल जाता था, नरम हो जाता था ना। हाँ वाह तो यार। फिर फुटप्रिंट वहां पे छप जाता था ना। हाँ सो पर ये है कि जहाँ पे फुटप्रिंट बनाया है वहां पे कुछ भी ऐसी सिक्योरिटी या सेफ्टी या कुछ भी नहीं ऐसी चीज है। नहीं बनाई गई है, हाँ ओपनली सब कोई जा सकता है या जो भी हाँ है ना। सो लोग बाकी वहां पे आ रहे हैं देख रहे हाँ देख हैं। रहे हैं और चूम रहे हैं सो उनके कदमों को ना। मुझे एक बात याद आ रही है, फिर से भूल गई, अभी याद नहीं आ रही मुझे मैं क्या बात, बहुत सही बात बोलने लगी थी मैं, चलो फुटप्रिंट्स के नेक्स्ट बारे में वीडियो लगी में आ थी जाएंगे बोलने। फुटप्रिंट्स के, क्यों कहाँ पे रखे हैं फुटप्रिंट्स नहीं मतलब। नहीं हाँ कहाँ पे रखे नहीं है, तो सोच भूल गई, जब भी अब याद याद आएगा आएगा। हम उस वीडियो में बता देंगे, इतना सारी वीडियोस ध्यान से देखना आप, कभी भी बात आ सकती है ना। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में। बाय।